गाइस, तो आज गाइस हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल चैप्टर के अंदर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर जो है हर बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या है गाइस, देखिए इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ये वाला क्वेश्चन का ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो बहुत बारीकी से आप देखेंगे और वीडियो को आप समझेंगे, पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो गाइस क्या है, हमें एक फिगर दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है जिसमें जो है एक ट्रायंगल बना हुआ है PQR और इसमें जो है एंगल बने हुए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो हमें सबसे पहले गाइस हमें जो दिया है उसको देखिए, हमें दिया है एंगल PQR, ये वाला जो एंगल है गाइस, ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है, एंगल PRQ के बराबर है गाइस, ये इसके बराबर दे रखा है। और हमें प्रूफ क्या करना है गाइस, प्रूफ करना है ये जो बाहर वाला एंगल है, ये वाला, ये एंगल इसके बराबर हमें प्रूफ करना है, यानी कि दोनों एक्सटीरियर एंगल हमें बराबर लेके आने हैं। तो किस मेथड से हम करेंगे गाइस, आपने पढ़ा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये देखिए गाइस ये वाला और ये वाला जो दो एंगल है ये कैसे एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है गाइस, 180 डिग्री। तो एंगल देखिए दस PQS, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लिखेंगे गाइस एंगल PQS प्लस एंगल पी, इधर देखिए डायग्राम देखिए PQR, ये प्लस PQR इज इक्वल टू हमारा कितना डिग्री का हो गया भाई, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, क्यों हुआ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए सेकंड सिचुएशन देखिए, यहां जाकर के डायग्राम आ गई, अब ये देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये कैसे एंगल है, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे गाइस एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल दूसरा वाला PRT इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा गाइस, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, इसका रीजन आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए गाइस दोनों इक्वेशनों में हमने एक जैसी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्या किया, यहां भी 180 की वैल्यू है, यहां भी 180 की वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यू है, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इसलिए बराबर करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो 180 जब करेंगे गाइस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा है एंगल PQS प्लस एंगल PQR विल बी इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब देखिएगा इसमें जो चीज हमें दिया है उसको लिख दीजिए, हमें क्या दिया है इन फिगर, कहा PQR किसके बराबर है, इधर देखिए PRQ के बराबर है, जहां पर भी हमें PQR मिलेगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, PRQ लिख देंगे। तो PQR ये रहा, तो एंगल PQS प्लस इसकी जगह हम लिख देंगे एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ध्यान दीजिएगा अब देखिए PRQ इधर भी है, PRQ इधर भी है, दोनों साइड है तो क्या हो जाएंगे, सेम साइन में है तो कैंसिल आउट, तो बचा क्या गाइस हमारा एंगल PQS विल बी इक्वल टू हमारा बच गया PRT। तो हमें प्रूफ क्या करना था गाइस, PQS इज इक्वल टू PRT। देखिए कितनी आसान ट्रिक से हमने जो है इसको प्रूफ कर दिया, तो इसी प्रकार से मैथ्स को सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।